स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूँ और वो जिम्मेदारी सिर्फ आप ही निभा सकते हो। बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या है वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक इंस्पिरेशन है हर एक भारतीय के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करने की। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला। तो मुझे प्रोफेसर राममूर्ति से इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि इन्होंने अपने दम पर एक ऐसी बीमारी को ठीक किया जो कि इनबॉर्न थी, यानी कि बचपन से थी इनको दमे की शिकायत। जो भी प्रोफेसर राममूर्ति को जानते हैं उनको पता है वो स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे शारीरिक तौर पर, लेकिन उनके मेहनत के बारे में बहुत गिने चुने लोग जानते हैं। देखो यार, मैं प्रतिदिन 3 से 6 बजे तक प्राणायाम करता था, ये प्रोफेसर राममूर्ति खुद कहते हैं। 3 से 6 यानी कि 3 घंटे प्राणायाम में चले गए। 12 मील बिना परिश्रम पैदल चलता था, प्रतिदिन 1 घंटा जल में तैरता था, 1 घंटे स्विमिंग, फिर शाम के वक्त 1500 से लेकर 3000 तक दंड और 5000 से लेकर 10000 तक बैठक लगाया करता था। ये इनका डेली का रूटीन था। इसका फल ये हुआ कि 16 वर्ष की आयु में मुझे इतनी ज़्यादा शक्ति महसूस हुई, नारियल के पेड़ को धक्का मारता था तो नारियल टूट कर गिर जाता था ऊपर से, हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते थे, 25 घोड़ों की शक्ति वाला 2-2 मोटर एक साथ रोक लेते थे, छाती पर बड़ी सी चट्टान रखकर उस पर पत्थर को 2 टुकड़े करवा देते थे, 1/2 इंच मोटे लोहे की जंजीर कमल की डंडी के समान आराम से तोड़ देते थे, जंजीरों को तोड़ देते थे अपने हाथों के बल पर, 50 मनुष्य से लदी हुई गाड़ी को शरीर के ऊपर से चला देते थे और उतरवा भी देते थे। उनका सिंपल सा मोटो था, भैया करूँगा या फिर मरूँगा, सिंपल सा मोटो था, लेकिन कितना ज़्यादा पावरफुल था सोचो। यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसे लोगों को पढ़ना है, ऐसे लोगों को सुनना है, तभी ब्रह्मचर्य का पालन होगा। 18 साल की उम्र में अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी है। क्या इनकी ज़िंदगी नहीं है? क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जिया? बहुत इन्जॉय किया इन्होंने, बहुत कुछ सीखा, प्रेरणा रहे कितने लोगों की सोचो। आपके मन में सवाल होगा, क्या मैं प्रोफेसर राममूर्ति जैसा बन सकता हूँ? हाँ, बन सकते हो, और अगर नहीं भी बन पाए तो कोशिश करो नज़दीक जाने की, हिम्मत करोगे तो ज़रूर होगा। और यही थिंकिंग था प्रोफेसर राममूर्ति का भी। वो अपने घर पर हनुमान जी की फ़ोटो लगाया करते थे, अर्जुन की फ़ोटो लगाया करते थे, क्योंकि देखो आप जिस तरह के संगति में जी रहे हो, अगर संगति सही है तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, और अगर आपकी संगति सही नहीं है, 500 सेंसेस पर काबू नहीं रख पाते तो फिर नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, बट यही है सच्चाई। अगर आप मान लेते हो इस चीज़ को, तो आज के आज अगर आपकी संगति सही नहीं है तो संगति को सही कर लो दोस्त, इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, संगति को सही कर लो। उसके बाद आपको रोक पाना किसी के बस में नहीं है सिवाय आपके, हो जाएगा। और देखो क्या नतीजा है आपके सामने, मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ऐसा भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा शारीरिक क्षमता, आप चाहो जिस तरह भी इस्तेमाल कर पाओ इसको, पढ़ाई के क्षेत्र में इस्तेमाल करना है कर लोगे, अलग ही लेवल पर चले जाओगे, दम आएगा शरीर में, अगर दम लाना चाहते हो तो इससे हो जाएगा, ब्रह्मचर्य से हो जाएगा। प्राणायाम देखो कितने ज़्यादा करते थे। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको यही एग्जैक्टली रूटीन फॉलो करना है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को एकदम से फॉलो मत करो। क्या क्या चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो बेस्ड ऑन योर टेम्परामेंट, एनवायरमेंट क्या है, क्या है, कैसा पोजिशन में हो, टाइम दे पाओगे क्या उतना, क्या 3 घंटे सब प्राणायाम कर सकते हैं? अगर कर रहे होते या कर सकते तो सब कोई कर रहे होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो जितना आपसे हो पाता है उतना करो, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को इंक्रीज करते चले जाओ, अच्छा लगेगा तो और बेटर हो जाओगे उसमें। बहुत कुछ है यार, एग्जैक्टली यही फॉलो मत करो। और मैं ये कह भी नहीं रहा, ये रिकमेंड भी नहीं करता मैं, लेकिन देखो होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो देखो क्या हो जाता है, मेहनत से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है दोस्त, ठीक है। 18 साल के हो तो स्टार्ट कर दो आज से ब्रह्मचर्य का पालन। और जिम्मेदारी की बात अगर है तो वो जिम्मेदारी ये है जो अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप फायदे लिखो, 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होगा। जो सबसे ज़्यादा जेन्युइनली कमेंट करेगा, जो एकदम दिल से ऑनेस्टली कमेंट करेगा, वो पता चल जाता है उस कमेंट में देखकर। पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हो अच्छे से कि मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, तो मैं उसको फीचर करूँगा अपने
एक वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे 60 दिन अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य पालन करता है तो उसके साथ क्या होता है। आपसे उम्मीद है बहुत ज्यादा जेन्युइन बंदे हो आप, और आशा करता हूं कि आप अच्छे से कमेंट करोगे कि आपको क्या क्या फायदे मिले हैं 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन करके, क्योंकि हमने 2 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुका है समझ लो। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर पूरा साल ब्रह्मचर्य पालन करोगे। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, जहां पर अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल की अगर समस्या हो रही है, फेस ग्लो बिल्कुल भी नहीं है, चेहरे पर कोई भी चमक नहीं है आपके, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ और देखो, एक बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए, उस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। और कमेंट जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपका कमेंट बहुत सारे लोगों की हेल्प करे और बहुत सारे लोगों की जिंदगी पलट के रख दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।